हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? टुडे वी विल डिस्कस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एक्टोकार्पस। आज के टॉपिक में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे एक्टोकार्पस में। मेजॉरिटी ऑफ द स्पीशीज आर आइसोगैमस एंड होमोथेलिक। अब बहुत सी इसकी जो स्पीशीज़ हैं वो आइसोगैमस हैं या फिर होमोथेलिक हैं। आप जानते हैं कि आइसोगैमस स्पीशीज कौन सी होती हैं? आइसोगैमस गैमेट्स वो होते हैं जिनकी मॉर्फोलॉजी सेम हो और जो हम डिस्टिंग्विश ना कर सकें कि उसमें मेल कौन सा है और फीमेल कौन सा है। अब होमोथेलिक स्पीशीज कौन सी होंगी जिसमें जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं वो सेम थैलस पे हों। द गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड इन मैनी सेल्ड एलोंगेटेड सेसाइल और शॉर्टली स्टाक्ड कॉनिकल स्ट्रक्चर्स कॉल्ड प्लूरिलोकुलर गैमेटेंजिया प्रोड्यूस्ड ऑन हैप्लॉइड प्लांट्स डिवेलपिंग फ्रॉम द मियोजोस्पोर्स। अब क्या होगा, जो गैमेट्स हैं वो प्रोड्यूस्ड होंगे यानी मल्टी सेलुलर यानी बहुत ज़्यादा मैनी सेल्स पे और इलोंगेट होंगे और सिसाइल यानी मूवमेंट नहीं करेंगे और उनकी जो स्टॉक हैं वो भी शॉर्ट होंगी और कौन लाइक उनका स्ट्रक्चर होगा जिनको हम बोलेंगे ये कौन से हैं, प्लूरिलोकुलर गैमेटेंजिया हैं और ये प्रोड्यूस्ड होंगे हैप्लॉइड प्लांट्स पे और डिवेलप करेंगे और डिवेलप कहाँ से होंगे, मियोजोस्पोर से, जो कि मियोसिस के रिजल्ट में प्रोड्यूस होंगे। The development of gametangia is similar to that of plurilocular sporangia. अब development दोनों की सेम है gametangia की जैसे कि plurilocular sporangia की है। These develop from terminal cell of the lateral branch. अब ये lateral branch के terminal cell से develop होंगे, means के shoot की tip से ये branch grow करेगी। The gametangial initial gets inflated and divides mitotically by repeated transverse divisions to produce a vertical row of flat cells. अब होगा क्या, जो gametangial initial है वो flattened होगी और divide कर जाएगी mitosis के through और ये repeated transverse division होगी और जो produce कर देगी vertical row of flat cells को। These cells undergo repeated vertical and transverse division to form many hundred स्मॉल क्यूबिकल सेल्स अरेंज इन 24 to 40 ट्रांसवर्स रोज। अब क्या हो रहा है, जो सेल्स हैं उनमें रिपीटेड डिवीजन हो रही है, वर्टिकल और ट्रांसवर्स डिवीजन्स हो रही हैं और बहुत ज़्यादा मैनी हंड्रेड जो हैं ये क्या कर रहे हैं, स्मॉल क्यूबिकल सेल्स जो हैं अरेंज हो रहे हैं 24 to 40 ट्रांसवर्स रोज में। द प्रोटोप्लास्ट ऑफ ईच सेल मेटामॉर्फोसिस इन टू अ सिंगल पायरीफॉर्म बाइफ्लैजेलेट हैप्लॉइड ज़िगोट। अब प्रोटोप्लास्ट जो है हर सेल का वो मेटामॉर्फ्स हो जाएगा एक सिंगल पॉलीफॉर्म बाइफ्लैजेलेट यानी जिनके पास दो फ्लैजेला हैं और हैप्लॉइड ज़िगोट में पॉलीफॉर्म इन पेयर शेप्ड, उसकी जो शेप होगी वो पेयर की तरह होगी। द फ्लैजेला आर लेटरली अटैच्ड, और फ्लैजेला होंगे वो लेटरली अटैच्ड होंगे। द ओनली डिफरेंस बिटवीन द ज़िगोस्पोर एंड द गैमेट्स इज दैट द गैमेट्स आर रिलेटिवली स्मॉलर इन साइज। अब जो एक ही डिफरेंस है ज़िगोस्पोर में और गैमेट्स में वो ये है कि उनका जो स्मॉल है साइज जो है गैमेट्स का वो स्मॉल है। द गैमेट्स आर लिब्रेटेड फ्रॉम द गैमेटेंजियम इन थ्रू एन एपिकल पोर फॉर्मड इन द सेल वॉल ऑफ द स्पोरेंजियम। अब जो गैमेट्स हैं वो लिब्रेट हो जाएंगे कहाँ से, गैमेटेंजियम से, किसके थ्रू, एपिकल पोर के थ्रू जो कि कहाँ पे बन रहा था, स्पोरेंजियम की वॉल में। नाउ फर्टिलाइजेशन एंड जर्मिनेशन ऑफ ज़िगोट। अब जो जर्मिनेशन और फर्टिलाइजेशन देखते हैं किस तरह होगी। फर्टिलाइजेशन रिजल्ट्स इन अ डिप्लॉइड ज़िगोट। अब फर्टिलाइजेशन किसके रिजल्ट में हो रही है, डिप्लॉइड ज़िगोट के रिजल्ट में हो रही है। द ज़िगोट जर्मिनेट्स इन टू अ डिप्लॉइड स्पोरोफाइट विदाउट अंडरगोइंग एनी रेस्टिंग पीरियड। अब जो ज़िगोट है वो जर्मिनेट कर जाएगा डिप्लॉइड स्पोरोफाइट में किसी भी रेस्टिंग पीरियड में जाए बगैर। नाउ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। एक्टोकार्पस शो आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। सब एक्टोकार्पस शो करेगा आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। द स्पोरोफाइट इज डिप्लॉइड एंड बेयर्स टू टाइप्स ऑफ स्पोरेंजिया। अब स्पोरोफाइट क्या होगा, डिप्लॉइड होगा और उसके पास दो टाइप्स के स्पोरेंजिया होंगे। द प्लूरिलोकुलर स्पोरेंजिया इन विच द ज़िगोस्पोर आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ माइटोसिस, जिसमें जो ज़िगोस्पोर है वो माइटोसिस के रिजल्ट में फॉर्म्ड हो रहे हैं जिनको हम कहेंगे माइटोज़िगोस्पोर्स। And the unilocular sporangia in which the zoospores are produced meiotically, और unilocular sporangia में zoospore जो produce करेंगे वो meiotically करेंगे और जो किसके result में होंगे, meiosis के result में, that's why we call them meiozoospores।
द माइटोजोस्पोर्स जर्मिनेट इन टू आर डिप्लॉयड स्पोरोफाइट. अब जो माइटोजोस्पोर हैं वो जर्मिनेट कर जाएंगे डिप्लॉयड स्पोरोफाइट में, वेयर एज द म्यूजोस्पोर जर्मिनेट टू गिव राइज अ हैप्लॉयड गैमेटोफाइट. जबकि जो म्यूजोस्पोर हैं वो जर्मिनेट कर जाएंगे और क्या बनाएंगे, वो हैप्लॉयड गैमेटोफाइट प्लांट दैट बेयर्स प्लूरी लॉकुलर गैमेटेंजिया, जिसके पास कौन सा गैमेटेंजिया होगा, प्लूरी लॉकुलर. These gametophytes are similar to the sporophyte in morphology. अब ये जो gametophytes हैं इनकी जो morphology है वो sporophyte की तरह ही है, same है. Haploid gametes are produced in gametangia, और जो haploid gametes हैं वो gametangia में produced होंगे, which on fusion result in a diploid zygote and that germinates into a diploid sporophytic plant. अब क्या होगा, जो haploid gamete हैं वो produced हो जाएंगे gametangia में, और जब फ्यूजन होगी उसके रिजल्ट में तो क्या होगा, जो डिप्लॉयड जायगोट है वो जर्मिनेट कर जाएगा डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक प्लांट में. द डिप्लॉयड माइटोजोस्पोर सर्व द पर्पस ऑफ रीडुप्लीकेशन ऑफ स्पोरोफाइट जनरेशन. अब जो डिप्लॉयड माइटोजोस्पोर हैं वो सर्व करेंगे किस पर्पस को, कि वो क्या कर देंगे, उनकी रीडुप्लीकेशन हो जाएगी स्पोरोफाइट जनरेशन की. इन सम स्पीशीज द गैमेटोफाइट जनरेशन इज ऑल्सो रीडुप्लीकेटेड बाय द पार्थिनोजेनेटिक जर्मिनेशन ऑफ गैमेट्स. अब क्या होगा कि जो कुछ स्पीशीज हैं उनमें जो गैमेटोफाइट जनरेशन है वो रीडुप्लीकेट हो जाएगी पार्थिनोजेनेटिक जर्मिनेशन ऑफ गैमेट्स के थ्रू. अब आप पार्थिनोजेनेटिक जर्मिनेशन जानते हैं कि ये वो जर्मिनेशन होती है जिसमें जो है ये वो उस टाइप की रिप्रोडक्शन होती है जिसमें जो एग है वो डिवेलप हो जाता है डायरेक्ट एम्ब्रियो में, और मीन्स कि वो फर्टिलाइज नहीं होता स्पर्म के थ्रू. अब आप डायग्राम में देखें एक्टोकार्पस का ग्राफिक लाइफ साइकिल आपको दिखाया गया है. इसमें मैच्योर गैमेटोफाइट है जो कि एन है, और मैच्योर स्पोरोफाइट है वो टू एन. एन यानी जिसके नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हमारे पास क्या होंगे, वन होंगे, या एन मीन वंस यानी हैप्लॉयड, और जो टू एन है मैच्योर स्पोरोफाइट वो होगा डिप्लॉयड. अब जो मैच्योर गैमेटोफाइट है, जो स्पोर्स यहाँ पे रिलीज हो रहे हैं ये गैमेट्स जो हैं ये एन है, और जो मैच्योर स्पोरोफाइट से रिलीज हो रहे हैं वो हमारे पास जोस्पोर्स जो हैं वो हैं टू एन है. और ये जोस्पोर्स क्या बना देंगे, यंग स्पोरोफाइट बना देंगे, जबकि जो यंग गैमेटोफाइट हैं ये हमारे पास क्या बना देंगे, ये भी बना देंगे हमारे पास यंग गैमेटोफाइट. तो ये तो था एक्टोकार्पस का ग्राफिक लाइफ साइकिल और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. आज के टॉपिक में इतना ही. कोई भी बात समझना है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं. वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू.